ये बेसिकली लास्ट टॉपिक के बारे में हो रहा है यूनिट 1 के, ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपने इसके लिए आंसर क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है। इफ द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, देन द फॉर्मूला इज करेक्ट या एक्यूरेट। वो फॉर्मूला या तो करेक्ट होगा या एक्यूरेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो आप यही आंसर लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इफ डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड देन ओवर फॉर्मूला और रिलेशन इज एक्यूरेट। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का तो ये आंसर हो। और अगर वो पूछता है हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते क्यों हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे इट इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन फॉर्मूला और द रिलेशन। तो थ्योरेटिकल आंसर ये है। ये क्वेश्चन अगर आपके पास थ्योरेटिकल वे में आएगा तो आपने पहले ये उसका स्टेटमेंट देना, ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल और ये इस प्रिंसिपल का यूज। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट इज इन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस। किसका डायमेंशन? क्वांटिटी का डायमेंशन। अब वो क्वांटिटी फिजिकल होगी, फिजिकल के अंदर फंडामेंटल और डायरेक्ट दोनों आते हैं। और अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है उसकी डायमेंशन जिस क्वांटिटी को आप राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो अगर उसकी डायमेंशन के बराबर है तो आपका फॉर्मूला सही है या आपका रिलेशन सही है। सही को क्या बोलते हैं? तो इसीलिए ये प्रिंसिपल एक्यूरेसी को चेक करने के काम आता है। जब भी ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो इसको प्रिंसिपल को अप्लाई करने का रूल नंबर 1 क्या होगा? आपने यहां पे प्लस नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेम क्वांटिटी प्लस सेम क्वांटिटी इज अगेन अ सेम क्वांटिटी। क्लियर हो गया? इसी तरह आपने इसको डिराइव करके अप्लाई करने के लिए कहीं पर भी माइनस का यूज नहीं करना, क्यों? फिर वही सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी इज अगेन इक्वल टू सेम क्वांटिटी। बट अगर हम दो क्वांटिटी जो सेम है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नया बन जाता है, क्योंकि पहले एल था तो प्लस करने में भी एल रहा, माइनस करने में भी एल रहा, बट मल्टीप्लाई करने में तो एल स्क्वायर हो गया था। तो इसका मतलब एक्यूरेसी चेक करते वक्त हम मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, इसी तरह हम एक्यूरेसी चेक करते वक्त डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ऑन डिवीजन हमें फिर से कुछ नया क्वांटिटी मिलता है। तो जब भी आपको कोई भी रिलेशन दिया हो उसमें आपको एक्यूरेसी चेक करना हो तो रिलेशन में आने वाले प्लस और माइनस को इग्नोर करो, रिलेशन में आने वाले प्लस और माइनस को इग्नोर करो, सिर्फ किसको यूज करना है, या तो मल्टीप्लाई को या फिर डिवाइड। अब ये रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1, चेक एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अब आपको एक रिलेशन दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है आपको उसका एक्यूरेसी चेक करना है। लेट द इक्वेशन इज वी इक्वल टू यू प्लस ए। अब इसमें बोला जाएगा व्हाट इज वी फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज यू इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज ए एक्सीलरेशन एंड व्हाट इज टी द टाइम। अगर मैं अपने रिलेशन को चेक करता हूं तो देखो प्लस आ रहा है, उसी रिलेशन में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ए इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन। तो ये रूल्स आ गए ना, जहां पे प्लस आएगा उसको भी इग्नोर करते हैं पर हम मल्टीप्लाई को जरूर करेंगे। तो हम यहां पे ऐसे स्टार्ट करेंगे, क्या था ये प्रिंसिपल? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसका डायमेंशन लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड का। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वी आर एंड वी इज आवर फाइनल वेलोसिटी ऑन द होल है तो वेलोसिटी ना। सो आई विल राइट द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी एम 0 एल 1 टी माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन आ गया।
अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, राइट हैंड साइड पे यू आर है, यू भी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी इनिशियल तो है तो ये वेलोसिटी, तो हम इसके लिए भी m0 l1 t माइनस 1 अप्लाई कर देते हैं। तीसरी टर्म कौन सी है, a, एंड व्हाट इज आवर a, एक्सीलरेशन, इसका डायमेंशन m0 l1 t माइनस 2, ये भी क्लियर हो गया। और फोर्थ टर्म कौन सी है, टाइम, तो हमने पहले इंडिविजुअली सारी टर्म्स की डायमेंशन ली थी। क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, चार, v u a t, चारों का अकेला अकेला डायमेंशन लिख दिया। अब मैं ये चेक करता हूं कि सबसे पहले कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा, जब भी ये प्रिंसिपल लगाना है तो सबसे पहले क्या चेक करना है, कहीं पे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन तो नहीं है, सबसे पहला यही है। तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है ना, किसका है, a और t का, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर a into t करके लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं ना m0 l1 t minus 2 into t, मैथ के अकॉर्डिंगली दोनों का बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो जाएगी, ये किसके इक्वल आ गया, m0 l1 t minus 1। अब आप देखो फाइनली जो v था उसका डायमेंशन m0 l1 t minus 1, जो u था उसका डायमेंशन m0 l1 t minus 1, और जो फाइनली a into t आ रहा है उसका भी डायमेंशन m0 l1 t minus 1। तो हम ये सारी डायमेंशन अपनी इसी इक्वेशन में पुट अप करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना m0 l1 t minus 1 v का डायमेंशन इज इक्वल टू u का डायमेंशन कितना है, m0 l1 t minus 1, और अब तो आपने a into t का डायमेंशन भी निकाल लिया और वो भी कितना आ रहा है, m0 l1 t minus 1। यहां तक समझ गए, अब ये रूल नंबर 1 देखें, सेम प्लस सेम इज इक्वल टू सेम, तो क्या ये और ये दोनों सेम है, सेम प्लस सेम दोबारा से सेम ही होगा, तो हम इसको दोनों को ऐड करने के बाद भी क्या लिख देंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी कितना है, क्या LHS और RHS बराबर आ गया, अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो ये जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू यू प्लस AT ये एक्यूरेट है। तो ये मेथड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी वे में सॉल्व होगा, वो एक लाइन या दो लाइन में कंप्लीट नहीं करना, वहां पे इजीली स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व, ठीक है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, नंबर 2 इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो कई बार क्वेश्चन में वो कंफ्यूज करेगा, कैसे s इक्वल टू ut प्लस 5 बाय 2 at स्क्वायर लिख दे, कुछ बच्चे क्या कहते हैं यहां पे तो हाफ होता था भाई, यहां तो 5 बाय 2 लगा हुआ है, इसका मतलब पहले ही गलत है। नो कभी भी डायमेंशनली चेक करते वक्त मैथ का न्यूमरल मैटर नहीं करता, यहां पे 10 लगाओ यहां पे 10 बटे 2 लगाओ कुछ भी लगाओ, मैथ का न्यूमरल डायमेंशंस को आपस में इक्वल या अनइक्वल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका अनइक्वल या इक्वल सिर्फ इनकी डायमेंशन डिसाइड करेगा, और मैथ का कोई भी नंबर डायमेंशन लेस हो, समझ गए। तो हर बार कई बच्चे ऐसे कराते हैं कि मेरी क्वेश्चन तो थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पेपर में आ गया 7 बाय 2, तो वो कहेगा ये तो ऑलरेडी गलत है, वो उसको सॉल्व ही नहीं करता। तो ये याद रखना ऐसे कुछ नहीं है, आपको इसको चेक करना है तो डायमेंशंस पुट करनी है और मैथ के नंबर की डायमेंशन नहीं, क्लियर हो गया। अब हम इसके अंदर अगर देखें तो हमें दिया हुआ है s इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, u इज वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन एंड टी इज टाइम, साथ में हाफ, ये मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है और मैथ का कोई भी नंबर विदाउट डायमेंशन, क्लियर हो गया। तो अब हम इसके अंदर फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वेशन में एस है और उसने बोल दिया एस तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल हो गया। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर है, u वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन m0 l1 t minus 1, उसके बाद थर्ड टर्म टाइम है, टाइम का डायमेंशन t, नेक्स्ट टर्म a है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन m0 l1 t minus 2, और फिर से t स्क्वायर है, इसका डायमेंशन t का t होता है बट स्क्वायर की वजह से ऊपर स्क्वायर रखते हैं। अब मैंने फिर से वही 1 2 3 4 5 पांचों टर्म्स का डायमेंशन लिख दिया। अब मेरा मेथड क्या है, मुझे चेक करना है कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो पहले ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इक्वेशन देखता हूं
योर टी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यू इंटू टी लिख सकता हूं। तो यू का डायमेंशन एम जीरो एल वन टी माइनस वन, टाइम का डायमेंशन टी प्लस वन और माइनस वन कैंसल, क्या मैं लिख सकता हूं एम जीरो एल वन टी जीरो। और मैथ बोलता है जिसका पावर जीरो हो तो वन हो जाता है, ये इसके इक्वल बच गया एल के। क्लियर हो गया सभी को? लास्ट फिर से मल्टीप्लीकेशन है किसका, ए टी स्क्वायर का। तो मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूं और यहां से ए टी स्क्वायर बनाता हूं, क्या बनेगा एम जीरो एल वन टी माइनस टू इन टू टी स्क्वायर। फिर वही बेस सेम, माइनस टू प्लस टू जीरो, कितना आ गया एम जीरो एल वन टी जीरो। मैथ्स के अकॉर्डिंगली पावर जीरो वन, ये भी रिड्यूस होकर किस पे चला गया एल पे। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे हाफ कहां गया, याद रखना हाफ का डायमेंशन नहीं है, तो उसके लिए हम एम जीरो एल जीरो टी जीरो का यूज करें, क्योंकि इसके पास डायमेंशन ही नहीं है, और डायमेंशन का मतलब पावर होता है। किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। इसकी तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज पावरलेस हैं, इसकी वजह से इसके पास डायमेंशन नहीं है। तो क्लियर हो गया? अब हम अपने वैल्यूज को इसी क्वेश्चन में पुट अप कर देते हैं। ये जितनी भी वैल्यूज निकाली ना, एस का, यूटी का, ए टी स्क्वायर का, ये सारा फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करो। एस की जगह क्या आ गया एल, यू टी की जगह कितना आ गया एल, हाफ ए टी स्क्वायर की जगह भी कितना आ गया, क्या बन गया रूल नंबर वन, सेम प्लस सेम इज अगेन इक्वल टू सेम। इसका मतलब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया सेम इक्वल, तो ये फॉर्मूला भी एक्यूरेट है। क्लियर है? ठीक है। अब इसी टाइप का ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब इसमें v एंड u बोथ आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, व्हाट इज 2, मैं लिख देता हूं इट इज आवर मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट, ये वैसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज a एक्सीलरेशन एंड व्हाट इज s, अभी प्रूव किया था s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक चीज फिर से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 10ax आ जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि 10 का तो कोई रोल ही नहीं है, इसका डायमेंशन ही नहीं है, और जहां पे होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगाना है वहां पे सिर्फ डायमेंशन आएंगी, बिना डायमेंशन वाला कंसेप्ट आपकी इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम यहां पे फिर से अगर स्टार्ट करें तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास पहले v स्क्वायर आ रहा है, v का डायमेंशन अभी हम प्रीवियसली दोनों क्वेश्चन में कराए हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना एम जीरो एल टू टी माइनस टू, पावर थी ना, तो वन इंटू टू टू माइनस वन इंटू टू माइनस, समझ आए। उसके बाद u स्क्वायर, फिर वही बात, u का डायमेंशन m0 l1 t माइनस वन है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो ये भी m0 l2 t माइनस। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आओ, सबसे पहले 2, अभी मैंने बोला था मैथमेटिकल कांस्टेंट के लिए m0 l0 t0, a का डायमेंशन लिखो m0 l1 t माइनस, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल। अब पता ना लास्ट मेथड क्या है, वेदर टू चेक कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो नहीं हो रही है एएस, तो मैं इस एएस को यहां पे मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बना लेता हूं, ए का वैल्यू ये पूरा, एस का वैल्यू ये रहा, तो हम लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस टू इन टू एल, कितना आ गया एम जीरो एल टू टी माइनस टू। अब मेरे पास सारी वैल्यूज हो गई, इस इक्वेशन में वापस फर्स्ट इक्वेशन पुट अप करते हैं, v स्क्वायर की जगह ये रहा कितना है m0 l2 t माइनस 2, माइनस u स्क्वायर की जगह m0 l2 t माइनस 2 इज इक्वल टू 2as, 2 का डायमेंशन तो था ही नहीं, as का डायमेंशन कितना था m0 l2 t माइनस 2। फिर से वही देखो रूल नंबर 1 आ गया, अब रूल नंबर 1 की बजाय कौन सा आया, सेम माइनस सेम इज अगेन इक्वल टू सेम, लिखा होगा ना सेम माइनस सेम इज इक्वल टू सेम। तो यहां पे अगर पहली क्वांटिटी को दूसरी से मिलाएं तो दोनों सेम है, दोनों माइनस भी हो रही है, माइनस होके दोनों का आंसर सेम आ जाएगा एम जीरो एल टू टी माइनस टू इज इक्वल टू एम जीरो एल टू जी माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से किसके इक्वल प्रूव हो गई, राइट हैंड साइड। ठीक है,
डब्लू क्यों अब ये इक्वेशन दिया कैपिटल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी इसमें जो आर है दैट इज रेंज ये दिया हुआ है मैं नहीं बोल रहा हूं आर क्या है रेंज यू वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी इनिशियल क्लियर साइन एंड टू थीटा एंगल है ना पूरा अगर मैं यहां पे लिख देता हूं तो ये टू थीटा इज माई एंगल और जो ये जी दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ऑन द ओनली एक्सीलरेशन पर ये किसकी एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की ये अब आपको दिया हुआ आपको चेक करना है क्या ये इक्वेशन एक्यूरेट है या नहीं याद रखना रेंज मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज किसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस जैसे वो होता ना जेवलिन थ्रो भी पीछे ओलंपिक की कितनी बात चली थी नीरज चोपड़ा की उसमें वो क्या करता था वो जेवलिन थ्रो करता था जेवलिन जब वो थ्रो करता है तो विनर कब बना जब उसका ये देखा गया कि जेवलिन सबसे ज्यादा दूर फेंका सबसे ज्यादा दूर मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस इससे आगे कोई नहीं जा पाया वो उसकी रेंज थी वो क्या थी रेंज समझ आया सभी को ना अब एक क्रिकेटर है वो सिक्स जो है अपना बैट के थ्रू बॉल के ऊपर मारता है बाउंड्री की तरफ तो वो ये ना मीटर लिखा आता है किसी का 86 किसी का 90 ये डिस्टेंसेस हैं और एक पार्टिकल या एक बॉडी जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे किसी चीज को थ्रो करती है वो उसकी क्या कहलाती है समझ आ गया कांसेप्ट तो मैं रेंज को यहां पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आर को डिस्टेंस बोल सकता हूं यस सर डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है समझ आ गया तब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं राइट हैंड साइड पे पहली क्वांटिटी कौन सी है u स्क्वायर और u आपकी क्या था वेलोसिटी m0 l1 d माइनस 1 उसका स्क्वायर ये कितना बन गया m0 l2 कितना ग्रीन इसके बाद तीसरी टर्म कौन सी है sin 2 थीटा इसको एंगल बोलेंगे और हमारे डाइमेंशंस के अकॉर्डिंगली एंगल कैसा होता है एंगल इज डायमेंशन लेस और जो डायमेंशन है उसका डायमेंशन m0 l0 ये भी क्लियर हो गया सभी को अब लास्ट क्वांटिटी क्या है ग्रेविटी ग्रेविटी की डायमेंशन एक्सीलरेशन वाली ही होता है m0 l1 ठीक है अब इस क्वेश्चन में देखो वही बात चेक करनी है कि क्या कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है यस मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड क्लियर हो गया तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे मैथ करते हो ना सिंपलीफिकेशन पहले इसको मल्टीप्लाई करके एक बना लेते हैं आप सबको पता है इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रहेगा तो सेम तो मैं सबसे पहले किसको कैलकुलेट करता हूं u स्क्वायर इनटू sin 2 थीटा u स्क्वायर का डायमेंशन m0 l2 d - 2 इनटू एंगल का डायमेंशन m0 l0 t0 सेम आ गया कितना m0 l2 t क्लियर हो गया सभी को अब चलते हैं ग्रेविटी तो अगर हम देखें हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिए और डिवाइड किससे करना है ग्रेविटी से तो फाइनली हम u स्क्वायर sin 2 थीटा को किससे डिवाइड कर देते हैं जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताओ क्या ये आंसर है इसका u स्क्वायर into sin 2 थीटा का आंसर ये था ये पूरी वैल्यू इसकी जगह रख देते हैं कितना m0 l2 t माइनस डिवाइड बाय g g का डायमेंशन कितना है m0 l1 ये कैंसिल ये कैंसिल क्या l2 by l बचा इसके इक्वल आ गया l समझ आ गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन भी कितना था l और राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी कितना है l इसका मतलब फाइनली लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है समझ आ गया ये कांसेप्ट सभी को अब एक लास्ट क्वेश्चन 2 पाई अंडर रूट 2 m नॉट बाय k जो अब आपने इसका एक्यूरेसी चेक करो इसमें जो t है दैट इज टाइम पीरियड जो 2 पाई है दैट इज मैथमेटिकल कांस्टेंट है m नॉट ये इनिशियल मास है बट बेसिकली क्या है मास और ये जो k आ रहा है ये एक नया फैक्टर है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट अब अगर हम स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंपल है टाइम और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है कितना क्लियर हो गया
राइट हैंड साइड पे अगर हम चले पहले वेक्टर पे तो 2 पाई आ रहा है, 2 पाई तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन m0 l0 e0 क्लियर हो गया फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है m0, m0 का डायमेंशन m1, ये भी क्लियर हो गया। अब बचा k, हमें ये पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। एक स्प्रिंग है, लेट दिस इज अ स्प्रिंग, इस पे आप इस तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाते हो तो नेचुरल है ना नेक्स्ट केस में ये स्प्रिंग ऐसा नजर आएगा। यस सर, इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने से स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई, खिंचाव पैदा हुआ। कितना खिंचाव इसके अंदर पैदा किया, जितनी आपने क्या लगाया फोर्स, खिंचाव को एक्स मान लेते हैं और रिलेशन के अकॉर्डिंगली एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स लिख सकते हैं। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना है, वो कांस्टेंट यहां पे के लग जाता है। इस k को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से हम k को क्या लिख सकते हैं, f बटे s, मेथड समझ गए। तो मैं यहां पे k का डायमेंशन लिखने के लिए f बटे x यूज करूं, फोर्स का डायमेंशन क्या है m1 l1 d - 2 और जो लेंथ है उसका l, l और l कैंसिल, हमारे पास इसका डायमेंशन कितना आ गया m1 p - क्लियर हो गए कांसेप्ट। अब आप एक चीज देखो, आपके पास सारी इंडिविजुअल क्वांटिटीज की डायमेंशन आ गई, वही बात दोबारा चेक करते हैं। सबसे पहले डिवाइड भी हो रहा है और ये सिमेट्रिकली भी हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन कोई इफेक्ट नहीं डालेगा बिकॉज़ ये तो डायमेंशनलेस है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड करता हूं, कैसे, m not by a, m कितना है, m a कितना है, m1 d minus, ये कट गया, नीचे पावर माइनस 2 है तो ऊपर आगे कितनी हो जाएगी, ये तो समझते हो, नीचे पावर कितनी है माइनस 2, तो वो मैथ में अगर ऐसे लिखा आ जाए 1 बाय x की पावर माइनस 2 तो इसको x की पावर प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहां पे भी 1 बटे t की पावर माइनस 2 है, इसको t की पावर 2 लिख दिया, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद उनको डिवाइड करने का मतलब ऊपर अंडर रूट भी है, तो ये इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो इसमें भी अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कितना था, राइट हैंड साइड भी कितना, इसका मतलब डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, हेंस इट इज आल्सो एन एक्यूरेट रिलेशन। समझ आ गया, तो क्लियर है।